हेलो नाइन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग लेके आ चुके हैं मैथ्स वन सेकंड यूनिट टेस्ट का महाप्रैक्टिस। और इस महाप्रैक्टिस वाली सीरीज में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर फोर्थ जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले, जो सेकंड यूनिट टेस्ट में आपके कन्फर्म आ जाने वाले। तो लेट्स बिगिन विद दिस महाप्रैक्टिस। सबसे पहला आपको यहाँ पे सवाल दे रखा है कि आपको रेशियो को रिड्यूस फॉर्म में लिखना है फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे, जान दो, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको सेम यूनिट करना है, यूनिट को क्या करना है सेम, यूनिट को क्या करना है सेम। तो यहाँ पे मैं मुझे दिख रहा है कि 14 रुपीज को मुझे यहाँ पे पैसा भी दिया हुआ, रुपीज भी दिया हुआ। एक काम करूंगा कि मैं रुपीज को सबको पैसा में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वी नो दैट कि 1 रुपीज होता है हमारा 100 पैसे के बराबर, बराबर के नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 14 रुपीज जो मेरा है ना, वो हो जाएगा 14 इंटू 100 पैसा, दैट इज 1400 पैसे के बराबर हो गया मेरा 14 रुपीज। और उसी तरीके से यहाँ पे जो 12 रुपीज दिया है, इसको 12 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया। और पीछे 40 तो पहले से पैसे में दे रखा है, 40 में नॉर्मली ऐड कर दूंगा। ओके, जीरो ज्यादा लिख दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा 1200 प्लस 40, दैट इज 1240। नाउ दिस इज योअर फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस इज योअर सेकंड क्वांटिटी इन पैसा। तो आपको इनको रेशियो लेना है, दोनों का यूनिट अब पैसा हो चुका है, तो आप इनका रेशियो ले लो 1400 प्लस 40 कितना हो जाएगा 1240 ना, तो 1400 प्लस 1240, सिंपल। अब देखो, जीरो से जीरो यहाँ पे कट हो गया, ऊपर बच गया आपका 140 और नीचे बच गया आपका 124। अब 140 को आप ब्रेक डाउन करो, 124 को ब्रेक डाउन करो, सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में आपको लिखना है। तो मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, 140 को जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो आई विल गेट 7 × 2 × 10। देखो 7 × 2 = 14 और 14 × 10 = 140। और 124 को अगर मैं ब्रेक डाउन करने जाऊंगा तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका, यू कैन से 4 से आराम से होगा, 4 3 करेंगे तो 12 और 1 करेंगे 31। तो मेरे को मिल गया कि 140 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 7 × 2 × 10 और नीचे 124 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 × 31। ओके, तब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 2 1 जा 2 2 जा। अब देखो ऊपर है 2 1 जा और ये 10 भी डिवाइड करेंगे 5 जा, तो ऊपर बच गया मेरा 7 और 5 और नीचे बच गया मेरा सिर्फ 31। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 7 5 = 35 और नीचे हो गया 31। दिस इज माय सिंपलेस्ट फॉर्म, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करना है सिर्फ आपको सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज फॉर्म। तो आप इसको कैसे 47 50 को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सिंपल है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। तो 51 जा 52 जा, तो ये 47 है आपका और ये आपका 2 जा है, तो 47 2 जा तो सबको भी पता ही होगा कितना हो जाएगा 94%, सिंपल है। उसी तरीके से इसको आपको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना, 7 upon 10 × 100, 10 10 जा और ये 10 1 जा, कन्वर्ट हो गया, 7 × 10 बच गया और मल्टीप्लाई कर दिया 70%। बड़ा सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आपको फास्ट फॉरवर्ड में मैं प्रैक्टिस देते रहूंगा डेली, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, एग्जाम का टेंशन रहेगा नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द प्रेजेंट एज, मतलब आज के टाइम पे, यू कैन से दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट एज, मतलब अभी प्रेजेंट एज, किस किस का प्रेजेंट एज है अपना, रेहाना, यहाँ पे देखो रेहाना दे रखा है और उसकी मम्मी मतलब मदर जो रेशियो है उसका 2/7 है। तो यू कैन से दैट रेहाना और उसकी मदर का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 2/7 है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं रेशियो को पीछे एक्स लगा दूंगा तो आपको रेशियो लिखने की जरूरत नहीं। तो आई कैन से दैट रेहाना का एज अगर 2x है तो उसके मदर का जो एज हो जाएगा वो 7x हो जाएगा, बराबर ना। रेशियो मतलब क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मतलब कुछ कट रहा है तो मान लो जो कटा होगा वो मेरा x होगा। तो मैंने बोल दिया कि प्रेजेंट एज रेहाना का 2x है और मदर का एज रेहाना का 7x है, मैंने लेट करके कंसिडर कर दिया। आफ्टर 2 ईयर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 साल के बाद, आपको दिख रहा होगा 2 साल के बाद उनका जो एज का रेशियो है वो हो जाएगा 1/3। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3, 2 साल के बाद। तो मुझे बताओ 2 साल के बाद रेहाना का एज कितना हो चुका है क्या, अगर आज के दिन रेहाना का एज आर है तो 2 साल के बाद उसका एज हो जाएगा r+2। उसी तरीके से मदर का एज अगर आज m है तो 2 साल के बाद m+2 हो जाएगा, और जो रेशियो दे रखा 2 साल के बाद के एज वाला वो 1/3 देगा, लिख लिया। अब मुझे यहाँ से रेहाना का एज मैंने 2x कंसिडर किया था और मदर का एज मैंने 7x कंसिडर कर दिया, वो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ इस वाले इक्वेशन में। तो रेहाना का एज मैं लिख दूंगा 2x+2 और मदर का एज लिख दूंगा 7x+
2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम 3 को करेंगे इस वाले से मल्टीप्लाई और 1 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 7x प्लस 2। अभी 2 3 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। ओके, 7x प्लस 2 समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा 7x है, तो मैंने 7x को इधर ही रखा, इस वाले राइट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले 6x को मैं राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ और 6 को इधर रखा और 2 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा। 6 में से 2 गया तो 4 बच गया और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो x बचा, तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया है 4, करेक्ट है। बट जो हमारा रेहाना का एज था वो कितना था, रेहाना का एज था 2x, तो रेहाना का एज ही तो हमें फाइंड करना, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो, तो रेहाना का एज है हमारा 2x, तो यू कैन से दैट कि जो मेरा आंसर यहाँ पे मिलेगा 2 × 4 दैट इज 8, तो यू कैन से दैट रेहाना इज 8 ईयर ओल्ड। रेहाना कितने साल की है, 8, और मम्मी की बात करेंगे तो 7 × 2 कर दें, 7 × 4 कर दें, दैट इज 28 ईयर ओल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ अबा एंड हर मदर एज इज 2:5। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अभी मैंने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन तभी भी बता देता हूँ कि जो अबा का एज है और जो मदर का एज है, तो आप बोलोगे अबा और उसके मदर का एज का जो रेशियो है आज के टाइम में वो 2/5 है। आफ्टर अबा बर्थ हर मदर एज इज 27। एट द टाइम ऑफ अबा बर्थ, जब अबा का बर्थ हुआ था तब मदर का एज कितना था, 27 ईयर था, करेक्ट है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अबा एंड मदर, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि देखो अबा का एज आज के टाइम में कितना हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा, और मदर का एज कितना हो जाएगा, 5 × x हो जाएगा। अब जब अबा का बर्थ हुआ था तो मदर का एज कितना था, 27 ईयर, मदर का एज कितना था, 27 ईयर, तो इस सिंपल फंडा यार, मदर का एज अगर 27 ईयर था जब बर्थ हो रहा, तो अबा का एज तभी 0 होगा। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, कि ये क्वेश्चन बड़ा फेमस भी है, ठीक है, तो आपने सॉल्व भी किया होगा। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताने वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर इन रेशियो, आपको इस पेयर को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखो रूट 5/3 और रूट 3/√7 को कंपेयर करना, कंपेयर करते समय ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जो रेशियो बड़ा होगा, वो जो नंबर बड़ा होगा उसके हिसाब से हम लोग रेशियो बड़ा कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 × हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा हमारा, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन बड़ा आता है, रूट 5 × √7 मतलब दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, 5 × 7 हो जाता 35 और ये हमारा हो गया 9। अभी आपको खुद समझना है कि ये 9 है और ये 35 रूट के अंदर है, अगर ये 36 भी होता, मतलब मान लो रूट के अंदर 36 भी होता तो बाहर निकल के 6 होता, तो ये तो 35 है, तो आंसर 6 से छोटा आने वाला है, तो हमारा ऑब्वियसली कौन बड़ा है, यहाँ पे 9 बड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि 100% हमारा यहाँ पे 3/√7 बड़ा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसका लेंथ है और उसका ब्रीथ है, और लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 3/1 दे रखा है, तो इसको सिंपल भाषा में बोले तो लेंथ हमारा हो जाएगा 3 × x और ब्रेथ हो जाएगा हमारा 1x, ठीक है, तो ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं या लेट करके x लगा के लिख सकते हैं, बराबर। तो ये हमने लिख दिया, जो पेरीमीटर है वो 36 है, आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ का 2 गुना प्लस उसके ब्रीथ का 2 गुना और वो दोनों मिलके पेरीमीटर बनेगा, दैट इज 36 आपको गिवन दे रखा है, बराबर ना। लेंथ का 2 गुना क्यों, क्योंकि लेंथ एक बार है और लेंथ सामने भी है तो 2 बार लेंथ है, ब्रीथ भी कितनी बार है, 2 बार है, सबको ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलता है, तो हमने ऐड करके 36 पेरीमीटर ले लिया। अब मुझे बताओ लेंथ का वैल्यू कितना मिला मुझे, 3x, तो यहाँ पे मैं लेंथ का वैल्यू 3x लिखूंगा और ब्रीथ का वैल्यू मुझे 1x, मतलब कितना मिला, x मिला, मैं यहाँ पे x लिख के सॉल्व करूंगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 36। अब 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 36, तो x 36 डिवाइड बाय हो जाएगा 8 और 8 के टेबल में तो 36 आता नहीं, तो ये आंसर मेरे हिसाब से पॉइंट में आने वाला, करेक्ट है, ये आंसर हमारा पॉइंट में आएगा और इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये जो भी आंसर आएगा आपको निकालना क्या था, लेंथ एंड ब्रीथ, तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पे 36 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 फोर होता है हमारा 32, करेक्ट है, 4 बच गया,
अब ऊपर जीरो नहीं तो जीरो एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और 8 5 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40, तो आई विल गेट 4.5। तो एक्स का वैल्यू मुझे मिला यहाँ पे 4.5। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल है कि हमने लेंथ को क्या माना था, 3x माना था, तो x की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4.5, और 4.5 इंटू 3 करेंगे तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 4.5 × 3 आपको करना, बराबर 4 × 3 12 हो जाएगा और 5.5 1.5 हो जाएगा, तो ये लगभग आपका 13.5 आएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 13.5, तो ब्रीथ आ गया और सॉरी लेंथ आ गया, और ब्रीथ कितना था आपका 1x, तो x का वैल्यू तो 4.5 है, तो दिस इज योर ब्रीथ। तो बड़ा सिंपल है, इस तरीके से करना, यूनिट लिखना मत भूलना पीछे, सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड, तो रेशियो जैसा दिया वैसे आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपॉन के फॉर्मेट में, इस तरीके से सामने दे रखा एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स प्लस थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन से, और एक्स माइनस टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक्स प्लस इलेवन से, बराबर। अब यहाँ पे वन बाय वन, पहले मैं इस एक्स वाले को इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज एक्स प्लस वन, इस थ्री को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज प्लस थ्री एक्स प्लस वन। सेम काम मैं इधर करूंगा, इस एक्स से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस इलेवन, और यहाँ पे माइनस टू को मैं पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स प्लस इलेवन, ठीक है। अब सिंपल, अभी बताओ एक्स इंटू एक्स होता है एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू वन होता है एक्स, थ्री ये हो जाएगा हमारा थ्री एक्स, और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा एक्स। उसी तरीके से एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इलेवन एक्स, माइनस टू एक्स ये हो जाएगा हमारा, एंड दिस इज विल बिकम माइनस 22। सिंपल है। अब आप यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और इधर का भी एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर आके माइनस होकर एक दूसरे को कट करने वाला है, तो हम सिंपली इसको अभी कट क्यों नहीं कर देते, करेक्ट है ना। अब मुझे बताओ एक्स और थ्री एक्स ये टोटल मेरा हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक 4x, ओके। ये देखो लास्ट वाला जो 3 × 1 था ना, यहाँ पे मुझे 3 लिखना चाहिए, करेक्ट है ना, 3 × 1 3 होगा। अब ये हमारा हो गया 4x प्लस 3, और इधर हमारा बचेगा 11 में से 2 गया तो 9x माइनस 22। अब क्या करना है कि 4x को हमें इधर भेजना है इक्वल टू के, तो 9x माइनस 4x और सॉरी 9x माइनस 4x, ओके, और ये माइनस 22 को इधर भेजेंगे तो प्लस 22। अब बताओ 9 में से 4x गया तो 5x बचता है, और 3 में से 23 प्लस 22 हो गया हमारा 25। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 25 के नीचे 5 को लेके आके डिवाइड कर देंगे और आंसर इज बिकम 5। तो x का वैल्यू हमारा आ चुका है 5। वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंस, इस तरीके से आपको बढ़िया से सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे a अपॉन b का वैल्यू आपको दे रखा है 5/3, और इस पूरे चीज का आपको वैल्यू निकालने बोला, दैट इज a प्लस 7b अपॉन 7b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि पहले आपको इसको x के फॉर्म में लिखना है, a का वैल्यू 5x लिख दो और b का वैल्यू 3x लिख दो, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है तो कुछ कट होके गया होगा, तो जो कट हुआ उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a का वैल्यू कितना आया 5x, b का वैल्यू कितना आया 3x, उसी तरीके से नीचे जाओगे तो b का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 3x। अब यहाँ पे देखो 5x और 3x मेरा हो जाएगा यहाँ पे 8x, और नीचे हो जाएगा मेरा 21x, x से x वगैरह कट हो गया, आंसर आ गया 8/21, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो मेरे को 7 + a + 7b / 7b का आंसर मिल गया, दैट इज 8/21, क्लियर है, बढ़िया से, दैट्स इट। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, गलतियां तो थोड़ी थोड़ी होती रहती है, क्या गड़बड़ की, आई होप सो आपने पकड़ ली इस गलती को। यहाँ पे मैंने जो गलती की है ना, और वो आपसे भी हो सकती है, मैंने बी का वैल्यू 3x तो लिखा लेकिन आगे 7 भूल गया, करेक्ट है। चलो वापस एक बार, ये हमारा 5x हो गया और ये 7 × 3 = 21, मैं कट कर, मैं वीडियो को एडिट भी नहीं करता, डायरेक्ट अपलोड करूंगा, गलती होती है, जैसे आपसे हो जाएगी तो मेरे से भी हो जाती है, बराबर। तो वो नीचे यहाँ पे 21x हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 21 ये हो जाएगा मेरा 26x, और नीचे मेरा हो जाएगा 21x, नाउ दिस इज द करेक्ट, ओके। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो मुझे आंसर मिल गया मेरे a प्लस 7b/7b का आंसर मिल गया, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है 5x प्लस 4y का वैल्यू दे रखा है, और आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये पूरा जो आपको दे रखा है इसका वैल्यू। नाउ देखो ये जो 5x है प्लस 4y, सॉरी 5x इक्वल टू 4y, करेक्ट है ना, और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है 3x² + y² / 3x² - y²
इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए ना। तो ये देखो, ये एक्स को मैं इधर ही रखता हूँ और ये वाला वाई देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से फोर को मैंने इधर ही रखा और ये फाइव इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक फंडा क्लियर है। अब मैंने देखा कि जो मुझे फाइंड करना है उसमें क्या क्या है, उसमें ये एक्स स्क्वायर भी है और ये वाई स्क्वायर भी है। तो मुझे यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा और फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा और फाइव का स्क्वायर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 25। ये सिंपल है। अब देखो, अब अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मुझे सिंपली दिख रहा है कि मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था और मुझे वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, मेरा काम हो जाएगा। तो कहने से दैट कि जो मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो मेरा 16 टाइम्स लेट से कोई भी कांस्टेंट मान लो के मान लो वो हो गया, और जो मेरा वाई स्क्वायर का वैल्यू है वो 25 टाइम्स वो कांस्टेंट हो गया। इसमें क्या दिक्कत है, मान लिया हमने। अब हम वो जो फाइंड करना उसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखो जो भी हमें फाइंड करना उसको हमने एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट किया। और आप बताओ अब कि जो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था वो कितना है, वो ऑलरेडी हमने बोला है 16K के बराबर है, तो ये मैंने 16K लिख दिया। और जो वाई स्क्वायर का वैल्यू है वो मेरा 25K के बराबर है। उसी तरीके से नीचे भी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा है 16K के बराबर और माइनस करके वाई स्क्वायर का वैल्यू 25K के बराबर। अब 16 3 हो जाता है मेरा 48K, करेक्ट है, प्लस 25K, और नीचे भी हमारा 48K हो जाएगा माइनस 25K हो जाएगा। अब आप बताओ कि 48K प्लस 25K कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते 48 प्लस 25 हम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 73K, करेक्ट है, ये हो गया हमारा 73K। उसी तरीके से नीचे वाला माइनस करना है तो 8 में से 5 गया तो हमारा 3 हो गया और ये 23K हो गया। K से अगर K कैंसिल करूंगा तो आई विल गेट 73 अपॉन 23K। ओके, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। मे भी कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, सर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, सॉल्व करते समय कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं इसके। तो बड़ा सिंपल आंसर था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। पहले तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, रेशियो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया। मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16K यहाँ पे मिल गई थी, मैंने पीछे के लगा दिया था, और वाई स्क्वायर का वैल्यू मुझे 25K मिल गया था। ओके, नेक्स्ट, ये वाला तो बड़ा रेशियो वाला थ्योरम वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, तो इसको तो सॉल्व करना बड़ा इजी है। अभी आप अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो ये जो ए था ना इसके आगे 4 लगाया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन बदल देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे ए के आगे क्या लगाया, 4 लगाया, तो और बी के आगे क्या लगाया, 9 लगाया। उसी तरीके से इस 3 के आगे भी आप क्या लगा दो, इस 3 के आगे भी आप लगा दो 4, और ये 7 के आगे भी आप लगा दो, यहाँ पे जैसा ऊपर 9 लगा इधर भी 9 लगा दो, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिख ला, 9b और 4 × 3 हो जाएगा आपका 12 और 9 7 हो जाएगा आपका 63। दोनों को आप अच्छे से ऐड कर लो तो 4a अपॉन 9b और नीचे आप ऐड करोगे तो ये मेरे हिसाब से 575 हो जाएगा। तो ये आपको वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है सिंपली, ठीक है ना। तो ये थ्योरम वाला सवाल था। अब लिखा हुआ x इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 25 और 4। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब देखो, अगर मैं लिखता हूँ 25 ओके और एक्स और 4, तो जो मैं 20 ज्योमेट्रिक मीन जो भी है ना उसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो होगा मेरा वो दोनों नंबर जिसका वो ज्योमेट्रिक मीन है उनके प्रोडक्ट के बराबर, दैट इज 25 × 4 के बराबर होगा। ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फंडा, जो भी वर्ड जो भी लेटर आपका ज्योमेट्रिक मीन है, जो भी नंबर आपका ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर जिसका ज्योमेट्रिक मीन है उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर। या आप सिंपल फॉर्मेट में ऐसा बोल सकते हो कि 25 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का नॉर्मल फॉर्मूला कि जो भी वर्ड ज्योमेट्रिक मीन में है जो भी लेटर उसको नीचे लिखो और उसको ऊपर भी लिख दो। तो ये हमें मिल गया, तो ये सिंपली हमने जो ज्योमेट्रिक मीन था उसका स्क्वायर कर दिया और प्रोडक्ट लिख दिया जिसका है। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 × 4 हो गया 100, दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लूंगा तो आई विल गेट एक्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा पेपर तो नहीं बोलेंगे, ये प्रैक्टिस जो महा प्रैक्टिस की जो शुरुआत की है फास्ट फॉरवर्ड में नॉर्मल तरीके से, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता था बट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो का लेंथ ना बढ़े इसके लिए। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना,
और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा आपको एक टास्क देता हूँ, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा अलग टास्क देंगे, 45 डिवाइड बाय 5 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना। सिर्फ मतलब आप इसका आंसर टाइप कर लेते हो, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे स्टूडेंट है ना, महारत स्टूडेंट, ये वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं, इनमें वो ताकत है, क्षमता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस अपलोड करने का, आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।